हेलो फ्रेंड्स, हनुमान फिल्म के अभिनेता तेजा सज्जा फिर से महानायक की भूमिका में वापसी कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय अभिनेता की नई फिल्म की पहली झलक निर्माताओं ने साझी की है। दक्षिण भारतीय अभिनेता तेजा सज्जा हनुमान की सफलता के बाद एक बार फिर से महानायक की भूमिका में नजर आने वाले हैं। अभिनेता की आग में फिल्म की पहली झलक निर्माताओं ने साझी की है। इसमें अभिनेता एक महानायक की भूमिका में दिख रहे हैं। इसकी पहली झलक देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म इतिहास से जुड़ी होगी। दर्शकों को फिल्म में भरपूर एक्शन भी देखने को मिलेगा। बता दें कि इसी के साथ फिल्म के रिलीज़ की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए निर्माताओं ने लिखा, प्राचीन कथाओं से के गुप्त रहस्यों से एक महायोद्धा की रोमांचकारी और साहसिक गाथा। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि फिल्म भूतकाल से जुड़ी कहानियों को प्रदर्शित करेगी। इसी के साथ फिल्म का शीर्षक भी सामने आ चुका है। निर्माताओं ने फिल्म का शीर्षक मिराय रखा है। तेजा सज्जा की पहली झलक में एक लाठी के साथ नजर आते हैं। वह एक ज्वालामुखी पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता काफ़ी भयंकर दिख रहे हैं। उनके पीछे एक ग्रहण को देख सकते हैं। फिल्म की पहली झलक देखकर फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह फिल्म काफ़ी रोमांचकारी और एक्शन से भरपूर होगी। फिल्म की पहली झलक में एक साधु के द्वारा बार बार सम्राट अशोक और कलिंग का नाम लिया जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म सम्राट अशोक और उनके रहस्यों से जुड़ी हो सकती है। बता दें कि फिल्म हिंदी समेत 8 भाषाओं में रिलीज़ की जाएगी, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी और चाइनीज़ भाषा शामिल है। फिल्म 18 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म हनुमान फेम एक्टर तेजा सिंह जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म मिराई में दिखाई देंगे। यह फिल्म सम्राट अशोक उनके सीक्रेट की काल्पनिक कहानी पर आधारित है। जापानी फॉन्ट्स में डिज़ाइन किए फिल्म के टाइटल लोगों को गुरुवार को लॉन्च किया गया। फर्स्ट लुक पोस्टर में तेजा को एक सुपर योद्धा के रूप में दिखाया गया जो अपने हाथ में यो लिए खड़े हुए हैं, एक फूटते हुए ज्वालामुखी के ऊपर। तेजा के चरित्र को अशोक के 9 रहस्यों तक पहुंचने को रोकने का काम सौंपा गया है। इसमें वह कर्रा, सामू और अन्य प्रकार की लड़ाइयों में उत्कृष्ट हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कार्तिक गंट मैनने द्वारा और बैकग्राउंड स्कोर गोरा द्वारा किया गया। कार्तिक ने मनी बाबू कर्णम के साथ पटकथा लिखी है। फिल्म का निर्माण टीजीस, विश्व प्रसाद और पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा किया जाएगा। मिराई 18 अप्रैल 2025 को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी और चीनी भाषा में रिलीज़ होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।